पे न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मंगलवार शाम से ही मौसम में बदलाव होने लगा था। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी बादलों की गर्जना और कड़कड़ाती बिजलियों के बीच कभी धीमी तो कभी तेज बारिश भी हुई। देखिए रिपोर्ट। एकाएक मौसम में आए परिवर्तन के बाद शाम करीब 7 से 8 के बीच जिले के आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि शुरू हो गई, इससे शहर की बिजली भी गुल हो गई, जो लगभग 2 घंटे बाद रात 8:35 पर चालू हुई। शहर में मौसम ने शाम 5 बजे बाद से करवट लेना शुरू कर दी थी। बादलों की गरजना और बिजली कड़कने के साथ ही हवाएं भी चलती रही। बिजली कड़कने के बाद शाम 6:30 से शहर की बिजली गुल हो गई। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, जो रुक रुक कर कुछ देर होती रही। शहर की बिजली व्यवस्था रात 2 बजे बाद बहाल होना शुरू हुई। इस समय भी कई हिस्सों में लाइट बंद ही थी। किसानों के सामने प्राकृतिक संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार सालों से प्रकृति की मार झेल रहा है। कभी अतिवर्षा, कभी अल्प वर्षा, और अब फसलें पक कर तैयार हुई तो मावठे से किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। रेवली देवली के अफीम किसान ने बताया कि मंगलवार को नीमच जिले में हुई तेज बारिश से किसानों के खेतों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों के मुंह में आया हुआ निवाला छीन गया है। अभी अफीम की फसल में चीरा लगाया जा रहा था, लेकिन बेमौसम हुई बारिश से अफीम धुल गई। साथ ही ओलावृष्टि होने से खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई है। नीमच से हिमांशु राजूरा की ये रिपोर्ट। ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।